क्या विराट कोहली समेत टीम इंडिया के बड़े क्रिकेटर आईपीएल बीच में छोड़ देंगे? जी हाँ, ये सवाल दरअसल इसलिए है क्योंकि विराट ने बीसीसीआई से ये साफ साफ कह दिया है कि उनके एजेंडे में सबसे ऊपर 2019 का विश्व कप है और खिलाड़ियों को चोट और थकान से भी बचाना है। आईपीएल में ऐसी तस्वीरें आम हैं। दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटर विराट कोहली भी आईपीएल में जख्म का दर्द सह चुके हैं, लेकिन अब सब बदल जाएगा क्योंकि अब बीसीसीआई को विराट की फटकार के बाद समझ में आ गया है कि विराट की जिद के सामने उनकी एक नहीं चलेगी। अब बीसीसीआई नींद से जागी। बीसीसीआई विराट समेत सभी टॉप क्रिकेटरों के मैच खेलने की एक सीमा तय करेगी और ये आईपीएल से ही शुरू हो जाएगा। यही है विराट की 2019 वर्ल्ड कप की तैयारी। बोर्ड विराट समेत कुल 50 खिलाड़ियों के वर्कलोड पर नजर रखेगा। 50 क्रिकेटरों में 27 खिलाड़ी वो होंगे जिनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी 23 खिलाड़ी वो होंगे जो टीम इंडिया में जगह के दावेदार हैं। बीसीसीआई की खास नजर उन खिलाड़ियों पर रहेगी जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, जैसे कप्तान विराट, शिखर धवन, रोहित शर्मा, भुवनेश्वर शर्मा, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव। अब ये भी समझिए कि इससे देश और क्रिकेटरों को कैसे फायदा होगा। अभी तक आईपीएल में फ्रेंचाइजी क्रिकेटरों को करोड़ों रुपए देते थे और अगर चोट गंभीर नहीं है तो मुख्य खिलाड़ी हर मैच खेलते थे, लेकिन अब बीसीसीआई के फिजियो ये तय करेंगे कि खिलाड़ी कितने मैच खेले तो थकान या इंजरी नहीं होगी। मतलब अब पहली बार आईपीएल से ज्यादा अहमियत देश को दी जाएगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले गेंदबाजों पर नजर रखी जाएगी कि नेट्स में वो कितनी गेंदबाजी करे। अगर किसी खिलाड़ी को थकान महसूस होती है तो उसे आईपीएल के पूरे मैच खेलने से रोका जा सकता है। विराट का लक्ष्य है 2019 वर्ल्ड कप जीतना और बीसीसीआई का ये कदम उसके लिए संजीवनी साबित होगा। सोचिए अगर वर्ल्ड कप में विराट या रोहित या शिखर चोट या थकान की वजह से नहीं खेल पाए तो देश का कितना बड़ा नुकसान होगा। अगले 9 महीने में टीम इंडिया को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल दौरा करना है। वर्ल्ड कप भी 2019 में है। ऐसे में विराट चाहते थे कि उनके पास 7 से 8 तेज गेंदबाजों का पूल हो जिसमें वो रोटेशन के तहत उन्हें खिलाए ताकि सारे गेंदबाज तरोताजा रहें। विराट काफी लंबे समय से ऐसा पूल बनाने के लिए बोर्ड से कह रहे थे और विराट ने थकान के बाद जो आराम लिया उसने बोर्ड को झकझोर दिया। इसलिए बोर्ड ने यह फैसला लिया है ताकि खिलाड़ी तरोताजा रहें और जीत बरकरार रहे, क्योंकि तभी बीसीसीआई की भी दुकान चलती रहेगी। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।